हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यन। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि 27 का पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 243 का पावर 3। तो यहाँ पे हमें यन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम यन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे 27 है, इसको हम 3 के पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि होता क्या है 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 27 आ जाता है, यानी 3 का पावर 3 हम 27 के प्लेस पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे हम 3 का पावर 3 लिख देंगे, और इसका पावर क्या है 27 का, 2n-1 है। तो इस तरीके इसको हम लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम 3 के पावर में भी लिखें, ठीक है, 3 के पावर में ही लिखेंगे इसको हम, जिससे क्या होगा, दोनों का बेस सेम हो जाएगा और हम पावर को कंपेयर कर लेंगे। अब इसको 3 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आता है 3 के पावर 5 पर 243 आता है। इसके बाद इसका भी पावर क्या है, 3 है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का जो बेस था वो सेम हो गया, और जब बेस दोनों का सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं पावर को। तो यहाँ पे हम पावर को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग पावर। तो यहाँ पे क्या है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, 6n हो गया। फिर 3 का हम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -3 इक्वल टू, अब यहाँ पे भी 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आसानी से n की वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो यह क्या हो जाएगा, 6n = 15 हो गया, और ये -3 साइड आएगा तो +3 हो गया, यानी 6n = कितना आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे 18 आ गया। उसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, 18 हो गया। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इस तरीके से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, बेस को सेम कर लेंगे और उसके बाद पावर को कंपेयर कर लेंगे।